हेलो एवरीवन, आई एम विक्रम शर्मा और आज मैं आपको सिंथेसिस के बारे में बताऊंगा। देखिए, मैंने सिंथेसिस की सीरीज स्टार्ट की है। अब वास्तव में सिंथेसिस को सीखना चाहते हैं, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस को क्रिएट करना चाहते हैं, वास्तव में सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर एक बार जरूर विजिट करें। प्लेलिस्ट में जाके सिस्टमेटिकली वीडियोस बने हुए हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा सिंपल से सिंपल, मैंने बनाना सिखाया था जिसमें मैं तीन मेथड बता चुका हूं ऑलरेडी। आज मैं चौथा मेथड बताऊंगा सिंपल टू सिंपल बनाने का। और अब इस बात को भी याद रखिए, जैसे आप मान लो इस वीडियो को देखें, इससे पहले वाले वीडियो देखते हैं तो उसने सभी वीडियोस में एक्सरसाइज भी दी हैं, तो आप अपने रूल्स भी लिख सकते हैं, अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, और एक्सरसाइज भी हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी आपको एक्सरसाइज मिलेगी सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए क्या है, बाय यूजिंग नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन। पहले जानते हैं कि ये होता क्या। देखिए, जब किसी नाउन की विशेषता या विस्तार करने के लिए एक या एक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाए, मान लीजिए जब किसी नाउन की विशेषता के लिए, जैसे कोई नाउन है उसकी विशेषता बताई जा रही है और उसमें एक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, एक नाउन है उसकी विशेषता के लिए एक से अधिक शब्दों का अगर प्रयोग किया जा रहा है, तो ऐसे ऐसी सिचुएशन में हम नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करते हैं और इसी चीज को हम नाउन या फ्रेज कहते हैं। आप ऐसा समझिए, जैसे मान लो कि एक नाउन के बारे में दिया होगा, उसकी डिटेल दी जाएगी, डिटेल्स उसकी जानकारी दी जाएगी, उसकी विशेषता बताई जाएगी, उस सेंटेंस में भी, उसके नेक्स्ट सेंटेंस में भी मोस्टली यही प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए जब किसी नाउन की विशेषता या विस्तार करने के लिए एक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाए, तो ये शब्द नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन कहलाते हैं। अपोजिशन का मतलब होता है पास में रखना, अपोजिशन का मतलब क्या होता है, पास में रखना। जब आप नाउन के पास में उस डिटेल को रखते हो, ठीक है, तो उसी को हम अपोजिशन कहते हैं। ठीक है, और देखिए बनाने का नियम क्या है, जिस नाउन या फ्रेज को अपोजिशन में प्रयोग करते हैं, जिस नाउन या फ्रेज को आप अपोजिशन में प्रयोग करते हो उसके प्रारंभ व अंत में कॉमा लगाते हैं। ये भी याद रखना है कि जिस नाउन या फ्रेज को अपोजिशन में रखते हैं आप, उसके प्रारंभ व अंत में कॉमा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल से आप इस चीज को डिटेल में समझ पाएंगे। देखिए एग्जांपल से समझते हैं, देखिए, ठीक है, जैसे मैंने लिखा कि राहुल इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास। राहुल क्लास का मॉनिटर है और ही स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। तो देखिए ध्यान से, ये लिखा है कि राहुल जो है वो क्लास का मॉनिटर है और वह क्लास में प्रथम आता है। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि राहुल की डिटेल दी जा रही है। पहली डिटेल है कि राहुल जो है वो क्लास का मॉनिटर है और दूसरी डिटेल है कि वो क्लास में प्रथम आता है। तो यही याद रखना आपको, जब भी नाउन की डिटेल दी जाए, जानकारी दी जाए, तो वहां पर हम यूज करते हैं नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, मोस्टली पहले सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको रिमूव कर देते हैं और जो दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है ना, याद रखना है, पहले सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट रिमूव करते लगो 90%। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखिए राहुल कॉमा द मॉनिटर ऑफ द क्लास कॉमा stands first in the class। नहीं, तो जहां पर हमने रिमूविंग किया, पोजिशन किया, वही कॉमा का यूज किया गया उसके ही प्लेस पर। यही याद रखना है, स्टार्टिंग में उसके, उसके बाद में कॉमा का यूज करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि राहुल, अब देखिए इसके अर्थ में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसको आप चेक कर सकते हैं। जैसे राहुल क्लास का मॉनिटर, क्लास में प्रथम आता है,
तो देखिए राहुल क्लास का मॉनिटर है और वह क्लास में प्रथम आता है, मतलब राहुल क्लास का मॉनिटर जो है क्लास में प्रथम आता है। तो याद रखना है कि अगर सेंटेंस में नाउन की डिटेल दी जाए तो क्या करते हैं, तो मोस्टली अगर जो नॉर्मल डिटेल दी जा रही है ठीक है, तो क्या करते हैं, तो पहले सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको रिमूव कर देते हैं और जो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उसको रिमूव कर देते। देखिए कभी कभार कुछ अलग सिचुएशंस बन जाती हैं, जैसे इस सेंटेंस को देखिए आप, जैसे रविंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर रॉट गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी और ही वॉज अ फेमस पोएट। अब ये थोड़ा सा अलग है, बाकी चीज यही है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने गीतांजलि लिखी और वह एक प्रसिद्ध कवि थे। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो मेन क्वालिटी है वो ये है, ए फेमस पोएट। क्या है? ए फेमस पोएट। तो इसी चीज को याद रखना, यानी इसका मतलब है कि रविन्द्रनाथ टैगोर, अब इसकी पहली जो मेन क्वालिटी उसको लिखेंगे और उसके बाद वर्ब वाला जो सेंटेंस है उसे नोट करेंगे, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर कॉमा ए फेमस पोएट कॉमा रॉट माने लिखी गीतांजलि। इसमें क्या है, इसमें इसी सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब को रिमूव कर दिया। ऐसी सिचुएशन में आप बस थोड़ा अर्थ पर फोकस कीजिए, अगर आप अर्थ की तरह करेंगे, अगर आप इसका अर्थ निकालेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और इजीली कर सकते हैं। इसका मतलब यह है, रविंद्रनाथ टैगोर कॉमा ए फेमस पोएट कॉमा रॉट माने लिखा, क्या लिखा, गीतांजलि। तो आप देख सकते हैं, देखिए मेन क्वालिटी को समझिए, यहां पर जो मेन क्वालिटी थी वो थी मॉनिटर ऑफ द क्लास। अब ऐसे समझिए, यहां पर जो स्मॉल सेंटेंस था जो मेन क्वालिटी थी वो स्टार्टिंग में दिया लेकिन इसमें बाद में दे दी, इस चीज से समझिए आप। तो ऐसे सिचुएशन में आप जिसमें फाइनाइट वर्ब दी है उसी का यूज करते अंत में, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर कॉमा ए फेमस पोएट ने और रॉट माने लिखा गीतांजलि। एक और सेंटेंस देखिए, थर्ड, ये देखिए तीसरा देखिए, कभी कभी ऐसा होता है जिसमें तीन सेंटेंस दी होती, तीन सेंटेंसेस ठीक, उसमें क्या करते हैं, जैसे जैसे अंजलि इज अ स्टूडेंट, अंजलि एक स्टूडेंट है, सी रीड्स इन दिल्ली पब्लिक स्कूल, और द स्कूल इज बिग ठीक, या यहां पे हो सकता है इट इज अ बिग स्कूल, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपका कि इट इज अ बिग स्कूल। देखिए इसे बनाते हैं, इसमें तीन सेंटेंसेस हैं कि अंजलि एक स्टूडेंट है और वह दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ती है और यह एक बड़ा स्कूल है। देखिए तो देखिए ध्यान से देखिए, अंजलि एक छात्रा रीड्स पढ़ती है दिल्ली पब्लिक स्कूल में, एक बड़ा स्कूल जो है उसमें पढ़ती है। याद रखना है कि अगर तीन सेंटेंस दिए तो पहले सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट और तीसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों हटा देते हैं। फिर से बता दूं, पहले सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट और तीसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों रिमूव कर देते हैं। अब आप देखिए तो क्या हुआ, अंजलि कॉमा ए स्टूडेंट
कॉमा रीड्स इन दिल्ली पब्लिक स्कूल कॉमा ए बिग स्कूल। तो ये याद रखना, आप देखिए ध्यान से, देखो अंजलि की क्वालिटी को मैंने अंजलि के बाद देखा, ठीक है ना, और स्कूल की क्वालिटी को मैंने स्कूल के बाद लिख दिया। आप देख सकते हैं, तो अंजलि एक छात्रा दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ती है, एक बड़े स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ती है। तो आप इस बात को याद रखिए कि जब तीन सेंटेंस दिए होते हैं तो 90% ऐसे होता है, और कभी कभार ऐसे होता है, आप ये समझ लीजिए, अगर थोड़ा डिफरेंट दिया है तो उसका हिंदी अर्थ को समझिए, और हिंदी अर्थ को अगर आप समझ के करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। अगर मान लीजिए तीन सेंटेंस दिए और उसमें अगर नाउन की क्वालिटी दी है तो नाउन की क्वालिटी को नाउन के बाद लिख दीजिए, ठीक है, और अगर नाउन की क्वालिटी दी है तो नाउन की पहले क्वालिटी को नाउन के पास रखिए, और अगर ऑब्जेक्ट की क्वालिटी दी है तो ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को ऑब्जेक्ट के पास रखिए। तो इस प्रकार से आपकी कभी भी गलती नहीं होगी, और उनमें बीच में आप अपोजिशन बोले तो कॉमा का भी आपको बीच में प्रयोग करना होगा, ठीक है। और आई होप ये समझ में आ गया होगा। और आप इसमें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एक्सरसाइज दी है उसको जरूर कीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।